हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये मैं पास्ता यहाँ बना रही हूँ। पास्ता मैंने पहले ही बॉयल कर लिया था और उसके बाद से ये बनाना था, इनको मिस्टी को बनाना था, लेकिन उन्होंने कहा मम्मी आप बना दीजिए, मेरे पेपर तैयार नहीं है अभी। तो मैं किचन में आ गई हूँ यहाँ बनाने के लिए। सो उसके बाद से मुझे याद आया कि चलो वीडियो शूट करना है। तो आज वेडनेसडे है और 20 तारीख है, तो मैंने कहा चलो आज से ही ब्लॉग स्टार्ट कर दी। काफ़ी दिनों बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ। सो इसमें मैंने डाला है रिफाइंड ऑयल और जीरा, लाल मिर्च तोड़ के थोड़ा सा, 2 लाल मिर्च। उसके बाद से इसमें डाला है 1 मीडियम साइज़ का अनियन, कैप्सिकम, टमाटर, ये तीनों चीज़ था तो काट के मैंने डाल दिया इसमें। और उसके बाद से मैं थोड़ा सा चलाने के बाद से इसमें चिली सॉस डाले हैं, क्योंकि याद नहीं था मुझे ये भी पड़ता है। तो यहाँ वीडियो शूट कर रही थी सृष्टि, तो उसने बताया कि मम्मी इसमें सोया सॉस और ये डाल दीजिए। मैंने कहा लेके आओ, तो वो फ्रिज से गई लेके आई।
तो ये हाँ मैंने डाल दिया। और ज़्यादा मैं सोया सॉस नहीं डालती हूँ क्योंकि काला काला हो जाता है, मुझे बनाना ही नहीं था, मैं बनाती ही नहीं हूँ ये सब आइटम, ये सब बड़ी वाली ही बनाती है। और इधर चाय मेरी बन रही है, तो चलिए शाम की चाय तैयार है तो पी लीजिए आप भी। और उसके बाद से मैं यहाँ कहना चाहती थी कि आपसे अगर आप वीडियो देखिए तो प्लीज़ वीडियो पूरा वॉच करिए, क्योंकि इससे ये होता है कि आपका भी फ़ायदा होता है और मेरा। मैं तो किसी का भी वीडियो देखती हूँ, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं मैं पूरी वीडियो वॉच करती हूँ और फिर उसके बाद कमेंट डालती हूँ। तो ये सारी चीज़ों का आप लोग भी ध्यान रखिएगा और आप भी इस तरह से बनाइएगा। और कोई भी अपने पास्ता में नहीं डालता होगा काली मिर्च और जीरा पाउडर, कोई नहीं डालता, पर मैंने डाला थोड़ा सा। उसके बाद से मैंने इसमें 1 कप के लगभग दूध भी डाल दिया है, तो दूध भी सिस्टर ने कहा मम्मी दूध डाल दीजिए, तो मैंने दूध डाल दिया। और यहाँ टोमेटो सॉस नहीं था मेरे पास तो वो मैं नहीं डाली हूँ, लेकिन अगर वो होता तो मज़ा आ जाता। तो यहाँ मैं इसको अभी मिक्स कर लूँगी, उसके बाद से गैस ऑफ कर दूँगी। और ये शाम का टाइम है और ज़्यादा ही मेरे मुंह से और ज़्यादा ही निकलता है। और जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं वो प्लीज़ जो अभी नया मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिसके मेरे कोई भी वीडियो आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे तुरंत मिल जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और लाइक बिल्कुल कर दीजिएगा। और यहाँ मेरी चाय बन रही है, तो चाय में अभी मैंने दूध डाला है। और फिर ये इधर मैं पास्ता निकाल रही हूँ, तो चलिए आप भी चाय पी लीजिए। यहाँ चाय लेके आ गई हूँ और ये कमरे में ये मिस्टी है पढ़ रही है, और ये नीचे ही मैं बिस्तर लगाई हूँ क्योंकि पढ़ने में आसानी रहती है बच्चों को। और ये सृष्टि भी हम लोग को ज्वाइन कर लिए, इनके पापा पास्ता नहीं खाते हैं तो चाय के लिए उठा रही थी मैं, चाय बिस्किट के लिए, तो वो बोल रहे थे कि अभी मैं उठ रहा हूँ, अभी मैं उठ रहा हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है पर्सनल डे और अभी 9:30 हो रहा है, तो डिनर बना चुकी हूँ जिसमें आलू की ग्रेवी वाली सब्जी बनाई हूँ और रोटी बनाई हूँ। और ये लोग तो शाम को पास्ता खाए थे तो शायद ही खाए। और मैं कल वो जो कैंडल आते हैं जो पानी में तैरते रहते हैं, छोटे वाले कैंडल आते हैं जो, सो उसको वो थोड़े से दीपावली में यूज़ किया था मैंने, तो वो थोड़े थोड़े बच गए थे उसके अंदर, तो उसको मैंने रीयूज़ किया हुआ है। सो ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है, वो सब लोग कर लेते हैं रीयूज़ कैसे करते हैं, लेकिन उसको भी मैंने ऐसे ही दिखा दिया आपको, तो वो चीज़ें दिखाई हूँ। और चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने डिनर में क्या बनाया है, और उसके बाद से मेरा ये छोटा सा ब्लॉग अभी थोड़ी देर में आपके पास पहुंच जाएगा। सो प्लीज़ आप देख के से लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा प्लीज़। और अगर मेरी कुछ चीज़ें अच्छी ना लगे तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि हर कोई मेहनत करता है और मैं भी मेहनत करती हूँ। सो बर्थडे में वीडियो इसीलिए नहीं डाल पाती हूँ और कि पता नहीं लोग कैसे पसंद करेंगे, सोचने में ही काफ़ी टाइम चला जाता है। और चूँकि एक और बात है कि बच्चों के पेपर चल रहे हैं, सो इसके वजह से और मेरे ब्लॉग्स रोज़ ब्लॉग्स मैं बोल रही हूँ ब्लॉग डेली नहीं आ पा रहे हैं। और चलिए ये छोटी मोटी गलतियाँ तो होती रहती हैं। और मैंने आज ये पहले सूट डाला हुआ है सो सलवार के साथ, और ये कपड़े पड़े हुए हैं जो धुलने हैं, तो अभी ये कल तो नहीं धुले जाएंगे, ज़्यादा नहीं है, बस एक शर्ट है और वो तो शर्ट है, ये तो कुछ है, ये एक शर्ट है और ये एक बच्चे का वो है टी शर्ट, तो ये धुले हैं। और तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको मैंने क्या बनाया है। तो ये आलू की सब्जी है ग्रेवी वाली, और एक सेकंड मैं दिखाती हूँ आपको, ये धनिया की पत्ती नहीं थी इसलिए मैंने नहीं डाले। और ये है रोटी तैयार हो गया है। और खाना बनाने के बाद से ये मैं मोम को रीयूज़ कर रही थी, और ये जो मेरे पास छोटा सा था जिसमें मैं दाल का छौंका लगाती हूँ वो उसी पैन में मैंने इसको, ये छोटा था मेरे पास तो इसी को मैंने यूज़ कर लिया है।
तो इसमें मैं डाल रही हूँ इसको और पिघला रही हूँ इसको। पिघलाने के बाद से देखिए ये पिघलने लगा है, बहुत जल्दी पिघलने लगा है। और अगर इसमें आप और भी अगर मोम होता, जैसे मोमबत्ती होती है पिघल जाती रहती है, बच जाती है थोड़ी थोड़ी मोमबत्तियाँ, तो वो भी डाल सकते थे आप। सो ये पिघल काफ़ी तेज़ी से पिघल रहा है। फिर ये पिघल जाने के बाद से जो ये ट्रे है तो उसके अंदर से आप इसको डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने टूथपिक्स में धागे को लपेट लिया है और इसको रख दूंगी मैं, ताकि इसमें जब जो माचिस लगाते हैं जैसे जिस जो लौ जलती है उसके लिए उसका काम करेगा ये। सो अगर आपको डालना होगा तो ये आप उससे डालिएगा, चम्मच की सहायता से आप इसके अंदर डालिएगा। देखिए मैं ऐसे डाल रही थी तो मेरा थोड़ा सा गिर गया था ये और ट्रे में, तो ऐसे जब चम्मच से डालेंगी तो बिल्कुल आपका वेस्ट नहीं जाएगा ये, और ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही कायदे से। तो ये मेरा 10 पीस था और ये मेरे ख्याल से 90 रुपीज़ का दिया था। और देखिए ये मेरा बिल्कुल तैयार हो गया है, 6 पीस तैयार हो गया है जिसमें से काफ़ी अच्छा, और ये बीच वाला तो काफ़ी अच्छा बना है, जैसे बीच में उसके वो जो डोरी मैंने डाला है वो बीच में आ गया है। सो तो आपके पास भी हो तो आप भी यूज़ करिए इसको, और अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा। उसके बाद से मैं यहाँ आ गई हूँ, 10 बज रहा है, 10:30 बज रहा है। सो मैंने कहा चलो फेस भी क्लीन कर लेती हूँ और आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं फेस की क्लीन करने आ गई, फेस वॉश नहीं था मेरे पास, तो ख़त्म हो चुका था, मैं साबुन से ही मुँह धुल रही हूँ। साबुन से मुंह धुलने के बाद से मैं यहीं पे साइड में ही मेरे फ्रिजर, आपको ने देखा होगा फ्रिज रखा था, उसमें मैं ये डाल के रखी थी, और इसे मैंने बताया अभी था अपने चैनल पे इसको। तो ये मैं दोबारा बनाई थी, जैसे दो चार जब आप बनाएंगी इसको तो 2-4 दिन के लिए काम आता है, उसके बाद से फिर आप दोबारा ये बना लीजिए, लेकिन फ्रिज में रखिए तो ये सेफ़ रहता है। फिर इसको लगा के आप कम से कम 1 मिनट तक तो मसाज कीजिए ही कीजिए, अगर 2 मिनट हो जाता है, पर डे मसाज करना बहुत ज़रूरी होता है। और काफ़ी ये अगर रात में हम लोग लगा के सोते हैं नाइट क्रीम, तो फेस काफ़ी स्वस्थ रहता है और सुबह आपके कोई भी दाग धब्बे नहीं मिलते हैं और चमकदार रहते हैं स्किन। तो